खेते दिन शाम को बेटा बोल करो अशोक चेयर के लिए छवि के लिए आज के जो पूजा हुआ है श्री माता रानी जी की, नवदुर्गा हम लोग कहते हैं, नवदुर्गा यानि नवदुर्गा। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटीति कुशमांडीति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातीति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकं नवमं सिद्धिदात्रीति नवदुर्गा प्राकीर्तता। यानि ये नवदुर्गा है माने नौ रूप में है। प्रथम शैलपुत्री ये जो नौ रूप में नौ देवी हैं जो हमारी माँ हैं। सारे भक्त आज नौ दिन से माँ की सेवा पूजा ज्योत जलाना सारा कुछ जो है व्रत रखना, कुछ लोग फलहार लेते हैं फल और दूध लेते हैं, कुछ लोग उस वो भी नहीं लेते हैं। ये सब माँ की कृपा है, उन्हीं की कृपा से नौ दिन का जो है सो ये बेड़ा पार होता है। तो आज के दिन जो है सो मतलब बहुत बड़ा दिन है, जितना ही वर्णन करें उतना ही कम है। इसलिए आज के दिन जो है नौ दिन से प्रार्थना किए हैं, खास करके कश्मीर के शांति अमन के लिए। कश्मीर के शांति अमन के लिए सारे भक्त हर मंदिर में हर घर में दिए जो है सो माँ के जलती है, हर घर में व्रत रख करके सब वही इबावत वही प्रार्थना कर रहे हैं, हे माँ कश्मीर की शांति अमन हो, जैसे खुशहाली पहले थे वैसे पुनः फिर खुशहाली हो। इसलिए नौ दिन की पूजन प्रार्थना पाठ और आज हवन प्रसाद भोजन अन्न दान जो है सो कर रहे हैं, जो कश्मीर का जो भी विघ्न बाधा हो रहा है। जब हम लोग सोचते हैं जो नहीं अब शांति से जीने का समय हम लोगों का आ गया, हम लोगों का अच्छे दिन आ गया, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छे दिन अच्छा नहीं लगता है। वो नहीं चाहते हैं जो कश्मीर के बच्चे पढ़े, वो नहीं चाहते हैं जो कश्मीर के बच्चे को मतलब जो है सो भविष्य अच्छा हो। इसलिए वो कुछ ना कुछ जो है सो पंगा डालते हैं। पंगा डालने वालों से मैं प्रार्थना करता हूँ जो जियो और जीने दो, किसी का जीने का हक छीनने का अधिकार वो एक ही मालिक का है, इंसान का नहीं है। और जो इंसान होकर इंसानियत को छोड़ दिए हैं उनके लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि इंसान के लिए इंसानियत ही सबसे बड़ा संपत्ति है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों से जो अमन शांति को भंग न करें, जिए और जीने दे। जय माता दी।